हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो अभी रात के बज रहे 9:15 और आप सबको नए साल की, हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। सवेरे तो मैं व्लॉग करना ही भूल गया और पुष्पा ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई आज से नया साल शुरू होता है ना, संवत 2781 है ना। और ये देखो पुष्पा का आज से नवरात्रि भी हैं, और लाइट जला लेता हूँ थोड़ी सी। हाँ, तो आज से नवरात्र भी हैं। और ये देखो पुष्पा बना रही है अपने लिए किट्टू के आटे के पकौड़े। और व्रत इसका नहीं है, सिर्फ आज दृष्टि आर्य का भी व्रत है, तो दृष्टि आर्य ने भी व्रत रखा हुआ है। और ये धुआं धुआं है इसीलिए हो रखा है, क्योंकि थोड़ा सा वो फ्राई हो रहा है ना, इसलिए पकौड़े बना रहे हैं। तो अलग बात है, हम भी खा सकते हैं, खीर बनी होगी ये पकौड़े, वो थोड़े थोड़े हम भी खा सकते हैं, वो चलता है सब कुछ, है ना। वैसे हमसे व्रत तो रखनी हो। ओह माय गॉड, अब पड़ेगी डांट। दरवाजा क्यों बंद किया पुष्पा? तूने 9 के 9 व्रत लेने क्या? हाँ। तो लो जी, पुष्पा 9 के 9 व्रत रहेगी। और मेरे लिए तो, और प्रज्वल के लिए बना दी है कद्दू की सब्जी, कद्दू भद्दू। और हाँ, आज मंडी भी थी, मंडी भी जाके आए। मंडी से क्या क्या लाए पता नहीं। मैं गई मंडी। हाँ तू, मतलब तू। हाँ यार पुष्पा, मैंने अपने लिए तो नहीं बोला। हाँ, ये कितने लिए बोला पुष्पा और प्रज्वल जाके आए मंडी, और वहाँ से लाए टमाटर, खुम्बे, और क्या लाए हो? थोड़ा सा साग, खीरे, है ना, लौकी, ये अच्छा चौलाई लाए हैं, चौलाई है, और क्या करेले हैं, लौकी है, अंगूर, पपीता, मतलब ये तो चाहिए है ना। इसको बनाते हैं तो फ्रूट तो खाएंगे भाई, है ना, फ्रूट व्रूट तो खा ही लेते हो। नाई पाई करके आता हूँ जल्दी से, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है ऊपर से। और आज भाई जो मैच है ना पंजाब और हैदराबाद का, वो यहीं बिल्कुल, मतलब यहाँ से 1.5 किलोमीटर है सामने ही, मतलब उस वही रास्ता है हमारा। और आज भीड़ भी बहुत थी, मैं वीडियो लगा दूंगा। तो मतलब ऑटो बहुत रुक रुक के आया, जहाँ मैं 20 मिनट में पहुँच जाता हूँ, आज मुझे लगे 40-45 मिनट लगे। देख लो इतना फ़र्क पड़ा, क्योंकि तो रश ही बहुत था भी रोड पे, यहीं पे तो आना था सबने, तो वही वाली रोड को पकड़ के आ रहे, तो लेट भी हो गया आज मैं। तो नो प्रॉब्लम, फिलहाल तो नहा धो के फटाफट से थोड़ा सा ठंडा ठंडा कूल कूल बन जाते हैं। गर्मियों में तो भाई नहाने के लिए एक टब होना चाहिए। वैसे पैसा, हे भगवान, इतना पैसा दे देना कि मैं एक टक पीट बना दूँ, टब लगा के ना, फिर उसी में टुप सही रहेगा, मज़ा आ जाएगा। चलो बकवास नहीं करते हैं अभी फिलहाल। और ये देखो ये कद्दू काटे के परौठे पकौड़े देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी इसमें इतना सारा मटेरियल पुष्पा ने और बना रखा है अपने लिए, क्योंकि इनको तो यही खाना है ना अभी। और ये देखो ये सारी खरीदारी कर रखी है ना। और नमक भी आज लेके आई है स्पेशल, सेंधा नमक, मतलब जो है ना व्रत का नमक होता है जो, ये अलग से। और उसके लिए ये जार भी लेके आई है स्पेशल, इसको साफ सुथरा अलग से ही रखी है। तो ठीक है, और ये बत्ती ने तो बहुत तंग कर रखा है, क्या ही करें। चलो जैसे भी है, जो भी है, नहा धोई करते हैं फटाफट। तो दोस्तों डिनर आ गया है, और ये देखो जी खीर, कद्दू की सब्जी और मिर्ची तो मेरे पास है, और इधर पुष्पा और दृष्टि दोनों ये व्रत वाले बंदे हैं हमारे, तो ये खाने लग गए हैं पकोड़े, ये कुट्टू के आटे के और आलू है। हाँ। और खीर। और प्रज्वल भी उधर क्या खा रहा है, क्या खा रहा तू? ये रोटी नहीं खा रहा, इसने दृष्टि से रोटी बनवा ली है लेकिन खा नहीं रहा है ना बाबू। बोला ही नहीं क्या होता है। तो चलो जी अभी हम करते हैं डिनर जल्दी जल्दी से। वाह मज़ा, मतलब खीर तो टेस्टी हो रखी है, अभी पकौड़ा नहीं खाया मैंने। लेट्स हैव दी पकौड़ा, ले लो ना। टेस्टी, वाह। कद्दू की सब्जी, रोटी कम ही खाऊंगा, एक या दो बस। चलो लेट्स हैव दी डिनर। ओहो अभी मैंने देखा ये कैमरे का ना मोड ही चेंज हो रखा है, अभी पिछली जो वीडियो हमारी रिकॉर्ड हुई होंगे ना वो अलग हो रखे हैं, ओरिजिनल मोड पे आ पाएगी। बाय द वे ये तो बहुत टेस्टी हो रहा है, मज़ेदार। इसका ये मिर्च बहुत तीखी, बहुत ही ज़्यादा तीखी मिर्च है इस बार, यहाँ से धुआं निकल रहा है। चलो